गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल एंट्री, हाउ वी विल प्रिपेयर द जनरल एंट्री इन द चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। Accounting entries for issue of debentures for cash. Heading first, amount received in lump sum. Keep on up there. First at par, at premium, at discount. First entry, bank account debit, debentures application and allotment account, application and allotment account. Debenture application and allotment account debit to dash debenture account. Bank account debit debentures application and allotment account. Done? Jaldi kar do।
चलिए देखो, अब यहाँ पे हमें जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है जब हम अपने डिबेंचर्स को इश्यू करेंगे एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेम जनरल एंट्री शेयर की भी यही है, सिर्फ जहाँ पे डिबेंचर है वहां पे क्या ऐड हो जाएगा, शेयर। जहाँ शेयर है अगर डिबेंचर है तो ऐड कर देंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, एबीसी लिमिटेड ने अपने शेयर इशू किए 10,100 की, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कंपनी में लायबिलिटी कितनी मिलेगी हमें, 10 लाख रुपीज। लेकिन सिर्फ हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई, लोग कितने तैयार हुए मुझे लायबिलिटी देने के लिए, सिर्फ 9,000। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर 9,000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई 100 ईच, तो सिर्फ मुझे कितनी लायबिलिटी मिली, 9 लाख रुपए। चाहिए कितनी, कुछ नहीं कर सकते, जितना मिला उतना ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसने कहा कि 9 लाख रुपीज के लिए कंपनी ने अपनी दो इंस्टॉलमेंट जो है वो प्रिपेयर की, फर्स्ट एप्लीकेशन सेकंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितने की है हमारी, 30 रुपीज की। कितने एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई, 9,000। 30 रुपीज एप्लीकेशन इज इक्वल टू 2,70,000 हमें रिसीव होंगे कहा, एप्लीकेशन में। 9,000 हमारे लायबिलिटी होल्डर है इनटू 70, कितनी अमाउंट बचे 100 में से, 70, कितना हो गया, 6,30,000 हमें रिसीव होंगे कब, हमारे अलॉटमेंट में, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले जनरल एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट जमा हुआ बैंक अकाउंट में, 2,70,000, जिसको हमने कंपनी की लायबिलिटी बुक में ट्रांसफर किया, कंपनी को ट्रांसफर किया। सेकेंड में इसने कहा कि अब कंपनी डायरेक्ट पैसा लेगी कि डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट में कितने पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं डेबिट, 6,30,000। इसके बाद कंपनी उसको अपने रजिस्टर में प्रिपेयर करेगी, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब इसके साथ ही यहाँ पे हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। एबीसी लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट डेट, जब शेयर कैपिटल या फिर डिबेंचर का जो क्वेश्चन होगा वहां पे जो जनरल एंट्री हमें बनानी, सॉरी जो बैलेंस शीट बनानी है वो मैक्सिमम इतनी ही बनेगी, जितनी ये दिखा रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम बैलेंस शीट इतनी ही तुम लोगों को बनानी है, क्योंकि उसके बाद जो उसके हेड सब हेड है वो चेंज होते चले जाएंगे और वो अलग अलग चैप्टर के अकॉर्डिंग वहां पे यूज होंगे। तो यहाँ इसने बैलेंस शीट प्रिपेयर की, फर्स्ट ये जो ब्लैक उसमें लिखा है हेड है, इसको बोलते हैं हेड, इसके नीचे जो है मतलब ये बोर्ड नहीं है, ठीक है, तो इनको बोलते सब हेड। हेड हम वही काम करते हैं जो हमारा माइंड या हमारा जो दिमाग इंस्ट्रक्ट कर रहा है, हमारी सारी मूवमेंट कहाँ से हो रही है, यहाँ से। तो ये हमारा क्या है, हेड। और इसके बाद सारी मूवमेंट कब होगी, जब ये हमें डिस्कस करेंगे। तो इसने कहा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी का मतलब था कि जो पैसा तुम्हें शेयर कैपिटल पे मिला, तो वहां पे बैलेंस शीट मतलब शेयर कैपिटल, यहाँ पे हमें सारे पैसे मिल रहे हैं, इक्विटी मतलब हम, लायबिलिटी मतलब पैसा दे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज है। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, जो एक साल से कम होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज होती है जो लॉन्ग टर्म होती है, और करंट लायबिलिटीज होती है जो एक साल की होती है, ठीक है। अब इसने कहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हम तो बोरोइंग की बात कर रहे हैं, हमने पैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए कंपनी को एज अ लायबिलिटी पे किया, कितना पे किया, 9 लाख रुपीज। अब दूसरा हेड है, अब ये जब कंपनी के पास पैसा आया उसका क्या बन गया, हमारी एसेट है, कंपनी की क्या है, लायबिलिटी। भाई हमने तो पैसा दिया तो हमारी क्या है, एसेट, जिसको हमने लायबिलिटी किसको दे दी, कंपनी को, समझ आया। तो कंपनी के लिए लायबिलिटी और हमारी क्या जा रही है, एसेट। एसेट करंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 9 लाख। अब इसने कहा ये सब पैसे कैसे आए, कैसे ट्रांसफर हुए, उसको डिटेल करो। तो यहाँ पर नोट टू कम को एक तरह से कहते हैं डिटेल, कि पैसे किस तरह से आपके पास आए, कैसे आपने रिसीव किए, उसको डिटेल करो। तो नोट टू कम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, कितने डिबेंचर, 9,000, 12% इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा जिसने भी डिबेंचर इशू किए खरीदे, 100 ईच कितना पेमेंट हुआ, 9 लाख। सेकेंड नंबर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एंड बैंक, वहां पर पैसा पूरा बैंक में कितने हैं, 9 लाख। तो यहाँ पर देखो नोट नंबर वन, नोट नंबर टू, नोट टू अकाउंट में जो वन लिखा है इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस शीट का लेजर। जब हम बैलेंस शीट में अगर कोई डिफरेंस आता है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अगर कोई डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो
उसको चेक करने के लिए कहाँ जाता है, कैश बुक में या फिर परचेज बुक में, सेल बुक में, उन सब बुक वो सारे क्या है हमारे लेजर। ठीक, तो यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस आ रहा है, ये क्लैरिटी नहीं हो रही है कि पैसे कैसे आए, कहाँ से आए, कितने मिले, तो हम उसको नोट बुक आउट डिटेल करके यहाँ पे बताएंगे कि इतने इतने पैसे हमें रिसीव हुए, समझ आ गया। तो यहाँ पे अगर बैलेंस शीट को कंपेरिजन करना है, चेक करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, और अगर नोट बुक आउट को चेक करना है तो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट। देखो यहाँ पे वन है तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है तो ये सेकेंड है। ठीक, नोट बुक अकाउंट में जो फर्स्ट डिटेल है वो कहाँ है, नोट बुक अकाउंट में फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड डिटेल कहाँ है, सेकंड नंबर पे। क्लियर हो गया सबको, सिया सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत स्थिति। चलिए आगे देखिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट अ डिस्काउंट, व्हेन डिबेंचर इज इश्यू एट अ प्राइस बिलो इट्स नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, एट पार वैल्यू, सब यही है। जब कंपनी ने कहा कि मुझे आप क्या करिए 100 रुपीज दीजिए एज अ लायबिलिटी, लेकिन आप 100 रुपीज नहीं दे रहे हो तो आप मुझे क्या दे रहे हो, कम पैसा दे रहे हो, तो डिस्काउंट यहाँ पे आप हमें मिलेगा। इस डिस्काउंट का मतलब क्या होगा कि नॉमिनल वैल्यू इज सेट टू द इश्यू एट अ डिस्काउंट, फॉर एग्जाम्पल द इश्यू ऑफ रुपीज 100 डिबेंचर एट रुपीज 95, 5 बीइंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर टू इज चार्ज टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। As per the guidelines issued by ICAI, the discount on issue of debenture can be written off either by debiting it to profit and loss or to security premium account. 1956 does not impose any restriction upon the issue of debenture at a discount. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सपोज मुझे तुमसे चाहिए 100 रुपीज value। अब यहाँ पर 100 रुपीज सपोज मैंने शिवानी से कहा कि शिवानी मुझे 100 रुपीज एज अ लायबिलिटी लोन दे दो, शिवानी ने मुझे कहा कि नहीं मैडम 100 तो है नहीं, 90 दे सकती हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है 10 रुपीज का मैंने क्या दे दिया तुम्हें डिस्काउंट। अब शिवानी ने मुझे 100 के बदले में 90 रुपीज दिए, लेकिन मैंने क्या कहा इसको डिस्काउंट कि कोई बात नहीं। शिवानी मुझसे कह रही है कि मैम अब आप रिटर्न मुझे कितना करोगे, तो शिवानी को कितने पैसे दूंगी मैं वापस, 100 डिस्काउंट। ये मेरी प्रायोरिटी थी, मुझे लायबिलिटी तो 100 रुपीज की ही चाहिए थी, लेकिन बहुत इमरजेंसी थी या पैसा बहुत ज्यादा नीडेड था, बहुत ज्यादा इमरजेंसी में मुझे पैसा चाहिए था, तो यहाँ पर 100 के कंपैरिजन मैं 90 पे भी तैयार होगी, और मैंने कहा अभी सिर्फ मुझे 90 रुपीज भी दे दो, और 90 के बदले में मैं तुम्हें इन फ्यूचर कितना वापस करूंगी 100। तो ये डिस्काउंट मैंने दिया तो मेरा क्या हो गया, ये लॉस। शिवानी को जब भी रिपेमेंट होगी तब उसको वापस कितना मिलेगा, 100 का 100 ही मिलेगा, 90 का सॉरी 90 का कितना मिलेगा 100। तो डिस्काउंट हमारा तो लॉस भी है हमारा। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री पढ़ो। टीवी कंपोनेंट लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन 40 अलॉटमेंट 55, शो द जनरल एंट्री इंक्लूडिंग दोज कैश अज्यूमिंग दैट ऑल द इंस्टॉलमेंट वर ड्यूली कलेक्टेड, ऑल्सो शो द लिमिट पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट बुक्स ऑफ टीवी कंपोनेंट लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए कितने शेयर इशू किए, 10,000, कितने का एक है 100 का, कितना हुआ वापस 10 लाख। कंपनी को लायबिलिटी कितनी चाहिए, इस तरह से हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। वर्किंग नोट बनाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो बहुत कंफ्यूज होगे, है ना, समझ आ रहा है ये तो। 10 लाख रुपीज अब यहाँ पे कंपनी को लायबिलिटी चाहिए, जिसके लिए कंपनी ने कहा कि 5% का मैंने 100 में से क्या दे दिया डिस्काउंट, कितना बचा 95। इसका मतलब मुझे लायबिलिटी चाहिए थी 100 की, लेकिन अगर 95 में भी मुझे कोई दे रहा है तो मुझे डिस्काउंट, मैंने डिस्काउंट दे दिया, लेकिन जब रीपेमेंट होगी तो मैं 100 ही रिटर्न करूंगी। 5% मैंने दिया तो ये मेरा क्या बनेगा, लॉस, और उसमें प्रोविजन में इसको कहेंगे ऑफिशियल उसमें, तो ये हमारा है डिस्काउंट, तुमने डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर था कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इसके लिए हमने दो इंस्टॉलमेंट प्रिपेयर की, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने शेयर है 10,000 इंटू 40, कितना हुआ 4 लाख, 10,000
into 60 नहीं 55 कितना हो गया 5,50,000 ये हमें दो इंस्टॉलमेंट पे पैसा रिसीव होगा ठीक है। अब इसके बाद जनरल एंट्री पढ़ो बैंक अकाउंट डेबिट 4,00,000 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अबाउट 4,00,000 क्लियर हो गया 4,00,000 से 4,00,000 मिल गया। सेकंड अलॉटमेंट में हमें कितना मिलेगा 5,50,000 5,50,000 कितना हुआ ये 95 के अकॉर्डिंग लेकिन अगर हम इसको सपोज 5% का डिस्काउंट नहीं देते हमारे 10,000 डिबेंचर थे और 60 रुपीज की हमारी अमाउंट थी तो हमें कितने मिलने चाहिए थे 6,00,000 लेकिन सिर्फ मिले कितने 50,000 का हमें क्या हुआ लॉस। क्या लिखा है 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना डेबिट हुआ 5,50,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट तुमने कितना दिया 50,000 का और 2 डिबेंचर अकाउंट 6,00,000 क्लियर हो गया। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट 5,50,000 अगला पर देखिए बैलेंस शीट कैसे बनाई इक्विटी एंड लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज ये पूरा फॉर्मेट है इसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को दे दूंगी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना टोटल होना था बोरिंग कितना करना है 10,00,000 एसेट नॉन करंट एसेट है अदर नॉन करंट एसेट 45,000 करंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना मिल गया टोटल 9,50,000 ये हुआ 950 अदर करंट एसेट 5,000 क्वेश्चन में कुछ और भी था अच्छा 5% का डिस्काउंट दिखा कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग अब देखिए लॉन्ग टर्म अकाउंट 10,00,000 नॉन अदर नॉन करंट एसेट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना दिया 45,000 माइनस करेंगे 10,00,000 से कैश एट बैंक 950 अदर करंट एसेट 5,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ ऑफ बैलेंस शीट डेट और द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 10 ईयर के लिए ये क्या है इंटरेस्ट भी तो निकलेगा इस पे इंटरेस्ट निकालो 10,00,000 पे 5% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 50,000 और कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे 50,000 माइनस 50,000 थोड़ी आएगा 10,00,000 पे 5% 50,000 आएगा देखते हैं